हेलो जी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सुबह की प्यारी प्यारी सी, तो इस टाइम बज चुके हैं सही साथ। तो मैं उठी थी 6 बजे भाई। और क्या है, आज है 3 तारीख, तो आज से बिट्टू स्कूल जाएगी, तो इसलिए भाई तो मैं बना रही इस टाइम भाई सब्जी सुबह सुबह, क्योंकि बिट्टू के लिए। और नल भी आ गए हैं, तो मैंने मोटर चला दिया है, तो टंकी भर रही है पानी से। तो मैं बिट्टू की खाने की तैयारी कर रही हूँ भाई, और अभी तक बिट्टू सो रही है, तो फिर उसको जगाऊंगी, उठाऊंगी। और उसके पापा जी सो रहे हैं, आरव भी सो रहा है, तो बिट्टू के लिए हम लेके आए हैं भाई नया टिफिन, देख सकते हैं। खाना ले जाने के लिए स्कूल में लंच ले जाएंगे इसलिए, और नई बोतल भी लेके आए हैं। वैसे तो है फैलेगी, पर ऐसे कह रही है मम्मी ये पुरानी हो गई, तो मेरे लिए नई लेके आओ। तो हम उसके लिए नया सामान लेके आए हैं भाई ये, तो आज इसमें पैक करूँ खाना उसके लिए, और इसमें पानी रखूँगी। और मैं बना रही हूँ आज सब्जी, किसकी, सोयाबीन, सोयाबीन रहती है तो उसकी सब्जी बना रही हूँ भाई। और आज बिट्टू पापा जी जाने वाले हैं घर पे, पर कुछ काम है तो भाई इसलिए, और साथ में आरव को भी ले जाएंगे भाई। हम कह रहे हैं हमको ले चल, पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि तुम क्यों जाएंगे, अमित आई हो, तो इसलिए भाई। तो देखते हैं कब जाते हैं, तो आपको जरूर बताएंगे तुम्हें। तो इस टाइम देख सकते हैं मैं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी मसाला ही वो हो रहा है, ये सोयाबीन रख दिया इधर मैंने, और उधर भी आ रहे हैं। और भी तू आवाज़, हाँ बेटा आवाज़ लगा रही है, कह रही मम्मी है दूध मांग दे रही हो, तभी तक मोटर चल रही है। तो भाई हमने नहाई धोई कर लिया, मैंने, आरव ने और बिट्टू को तो हमने खिंदा दिया स्कूल, तो वो तो जा चुकी है स्कूल, और बिट्टू पापा जी नहा रहे हैं। और देख सकते हैं आरव खेरा, मम्मी देने फोन, क्या लेगा बाबू, फोन लेगा, जीजी पास जाएगा, गाँव गाँव जाएगा, देखो गाँव से कैसे मना करता है, जीजी पास जाएगा नहीं जाएगा, जाना बाबू भाई गांव जाने से तो मना करता है बिल्कुल। और आज बिट्टू पापा जी जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है, तो आरव को भी ले जाएंगे साथ में, मैं कह रही हूँ कि ले जाओ, जीजी से मिल आएगा। और भाई हम जा रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि भाई तबीयत ऐसे ही खराब रहती है, पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में ही। तो बिट्टू पापा जी नहा रहे हैं, बस जाने वाले हैं, बच चुके हैं सही 9, तो राबड़ी खा के जाएंगे, राबड़ी बनाई है भाई गाठ की, चला रहा खा ले ना। फिर ये गांव जाएंगे दोनों तीन वाली ट्रेन से, तो हम अकेले रह जाएंगे मैं बिट्टू, कल वो वापिस आ जाएंगे दोबारा। तो भाई अब जा रहे हैं हम, और आ रहा भी हो आ गया बाहर की तरफ, तो बिट्टू पापा जी आ रहे हैं। और देखो मैंने कितने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं, सूट है भाई, ये सूट मंगाया था मैंने 700 रुपये में। रेलवे कॉलोनी है, ये देखो आरव बीच में बैठे हैं, पहुंचने वाले हैं। स्पीड हो सके हॉस्पिटल में, और चलते हैं अंदर की तरफ। भाई हम दिखा के भी आ गए हैं अभी, और 3-4 गोली दिया बस, कुछ भी नहीं। और अब जा रहे हैं बिट्टू पापा जी ड्यूटी के लिए, दोबारा से आ जाएंगे जल्दी, कुछ काम है तो इसलिए, और खाना भी नहीं खा के जा रहे हैं देख सकते हैं, है ना। हाँ तो जाओ, फिर गाँव भी जाना है शाम को, तो इसलिए चलो अभी तो मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, मेरा बिट्टू आएगी 1:30-2 बजे तक आएगी बिट्टू। तो मैंने लुगड़ी लहंगा पहन लिए है, आ रहा हूँ तंगा कर रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और फिर भी आ रहा हूँ। और इसके पापा आज मेरे को छोड़ के गांव जा रहे हैं, कुछ काम है तो इसलिए जा रहे हैं भाई, नहीं तो नहीं जाते, और अभी तो टूटी गई हुई है, उसके बाद जाएंगे। बिल्कुल भी हालत ख़राब है मेरी, देख सकते हैं। तो भाई अब खा रहे हैं आम, खाना तो बाद में खाएंगे, तो आम खा रहे हैं,
कल लेके आए थे आम, और आम यहाँ पे इतने महंगे देते हैं, बहुत महंगा देते हैं। ये आम राजगढ़ में फिर भी सस्ता ही मिलते हैं, 100 का 3 किलो मिल जाते हैं, 2.5 किलो भी, यहाँ पे तो 100 का 1.5 किलो या 1 किलो आम मिलते हैं। तो आरो कह रहा है मम्मी आम देना, और इसके इसको नहीं दूंगा आम, नहीं खाना है आपका आम, ठीक है नहीं। तो चलो खा लेता है भाई आम। तो भाई मैंने बना लिया है खाना मेरे लिए, और बिट्टू पापा जी पता नहीं कब तक आएंगे, तो 12 तो बज चुके हैं, तो भाई मेरे को भूख लगने लग गई थी इसलिए, और आरो भी मेरा तो ऐसे ही सो गया, क्या नहीं इसकी भी तबीयत पता नहीं ऐसे ही चल रही है खराब थी, तो इसलिए भूखा ही सो गया है। तो भाई आ जाइए, ये देख सकते हैं रोटी जल गई है मेरी, और दाल है इसमें सब्जी है वो छाछ है, तो चलो खा लेते हैं। तो भाई आ गए हैं बिट्टू पापा जी, और अभी अभी आके रुके हैं, बज चुके हैं 12:30, तो देख सकते हैं आलू। गाइस गर्मी इतनी भयंकर है, मैं कूलर में घुसा जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि मुझे ऑफिस के काम से जाना पड़ा था आज, और इसलिए फिर भी काम तो जल्दी हो गया, लेकिन कई दोस्त मिल गए थे तो वहीं ऑफिस में, डीआर ऑफिस में, तो वहीं बात करने लग गया था, अभी आया हूँ, और अब मैं गांव जाने वाला हूँ, छोड़ के गांव जा रहा है। एक दिन अपना बना खाना, आज हमारा आरू पता नहीं क्या हो रहा है, खून आ रहा है गाइस, खाना खा के चले जाएंगे भाई घर पे, तो ठीक है दोस्तों, मैं पता नहीं क्या करूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है सबको बाय बाय, मिलते हैं एक और।